pessimism and negativity are as dangerous as blood sugar, blood cancer, heart attack. हार्ट अटैक का आदमी बच सकता है, कैंसर का आदमी बच सकता है, नेगेटिव आदमी ना बचता है ना बचने देता है. वो अपने इर्द गिर्द के कम से कम 20 किलोमीटर के रेडियस को ना करप्ट करता है, कम से कम 20, ज्यादा भी हो सकता है. माय डियर फ्रेंड्स, किसको बोलते हैं पेसिमिस्ट? मैं संडे सेमिनार में ही बता रहा था, पेसिमिस्ट वो आदमी होता है जिसको आप दूध के दरिया से दूध लाने को भेज दो, अगर शहद के दरिया से शहद लाने को भेज दो तो वो बिना कुछ लाए वापस आएगा. वो लेके पता क्या आएगा? कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, तो मैं खाली हाथ ही आ गया. उसको कहीं भेज दो, खाली हाथ ही लौटेगा. इसको हर अच्छाई में बुराई नजर आती है सर, हर अच्छाई में बुराई. मक्खी है, मक्खी पूरे शरीर में, जहां फुंसी होगी साला वहीं बैठेगा जाके. पेसिमिस्ट, सीरियसली. मैं उस दिन राजा की कहानी संडे को सुना रहा था ना, वो एक राजा था और उसका एक दोस्त था मंत्री, सेनापति. अब वो सेनापति ऑप्टिमिस्ट था, वो हर बात को बोलता था बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, ये तो बहुत बढ़िया हो गया. तो राजा बोलता था, हर बात पे बोलता है बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया. ऐसे थोड़ी होता है, बोले राजा जी बहुत बढ़िया हो गया. तो राजा एक दिन तलवार साफ कर रहा था, तलवार साफ करते करते तलवार पैर पे गिर गई, अंगूठा कट गया राजा का. बोला बहुत बढ़िया हो गया. उसने बोला साले को जेल में डाल दो. उसने बोला ठीक है, ऐसा थोड़ी ना हर बात को मेरा पैर कट गया बोल जेल में डाल दो उसको. तो जैसे ही बोला जेल में डाल दो, बोला बहुत बढ़िया हो गया. राजा ने बोला पागल बावड़ी पूछ, साला इसमें क्या बढ़िया हो गया, तेरे को जेल में डाल दिया. 2 महीने के बाद राजा शिकार खेलने गया, सैनिक छूट गए पीछे, अकेला घोड़े में घूमता रहा. आदिवासियों ने पकड़ लिया, हम्बा हम्बा हू, हम्बा हम्बा हू, बलि देंगे बलि. कपड़े उतारे, नहलाया, बलि देंगे देवी को. देखा तो अंगूठा कटा हुआ है. तो किसी ने बोला अपूर्ण बलि से देवी दुखी हो जाएगी, अपूर्ण बलि नहीं देनी चाहिए. छोड़ दिया, घोड़े पे घर आया, बोला पहले उसको निकालो बाहर. उसने बोला तूने ठीक कहा था, बहुत बढ़िया हो गया, अगर अंगूठा नहीं कटता तो गर्दन कट जाती आज. लेकिन एक बात बता, मेरे साथ तो बढ़िया हो गया, लेकिन तूने तो 3 महीने जेल में गुजार दिए, तेरे साथ कैसे बढ़िया होगा? उसने बोला महाराज आपका दोस्त था, आपके साथ ही जाता जंगल. आपका दोस्त था, आपके साथ जाता जंगल. बोले आपकी तो अपूर्ण थी, मेरी हो जाती पूर्ण तो बढ़िया हो गया कि मैं जेल में था. There is a difference between a pessimist and optimist, my difference. है ना? पुरानी कहावत है, ग्लास आधा भरा कि आधा खाली, है ना? ग्लास इज हाफ फुल और हाफ एम्प्टी. किसी को वो आधा भरा नजर आता है और किसी को आधा, है ना? चीजें कैसी दिखती हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है यार, आप उनको कैसा देखते हो ये इंपॉर्टेंट. चीजें कैसी दिखती हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कैसे देख रहे हो ये इंपॉर्टेंट है. माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे हाथ में एक ग्लास है, एक कॉफी का कप है फॉर एग्जांपल. क्या हो अगर कोई उसमें शुगर डाल दे? आई विल बी ऑल राइट, नो इश्यूज. क्या हो उस कॉफी के कप में कोई जहर डाल दे? आई विल बी डेड. लेसन नंबर 1, लाइफ शुगर और पॉइजन दोनों है यार. लाइफ शुगर भी है और पॉइजन भी है. हाथ में कप है. क्या हो आपका कोई बहुत दुश्मन उसमें शुगर डाल दे, कुछ होगा आपको? कुछ होगा? नहीं होगा. लेकिन क्या हो अगर आपका कोई अच्छा दोस्त बाय मिस्टेक ही उसमें जहर डाल दे, क्या होगा? You will be dead. Lesson number 2. Watch your coffee. आपको नहीं पता कि उसमें जहर दुश्मन डाल रहा है या कभी कभी दोस्त भी डाल रहा है. 90% दोस्त ही डालते हैं. दोस्तों मैं फिर कहता हूं आपसे,
उन लोगों की संगत में मत रहना यार, बड़ा खतरनाक काम है यार ये नेगेटिव लोगों के साथ रहना, आपकी पुंगी बजा देंगे ये लोग। आप में से किसी ने अभी कोई फ्लैट खरीदा हो या घर बनाया हो, नया पेंट कराया हो, घर में कुछ नया सामान रखा हो, आप में से कोई है क्या? मैं आपसे मिलना चाहूंगा। आप सर आपने हाथ खड़ा किया था, कैन आई नो योर नेम? आलोक, कैन यू कम फॉरवर्ड टू मी? देखो कुछ चीजें ना आपके हाथ में कभी नहीं होंगी यार, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। प्लीज कम आलोक, आपका जन्म कहां होगा आपके हाथ में है, मां बाप कौन होंगे आपके हाथ में, कौन से कलर की गाड़ी खरीदोगे या आपके हाथ में, स्किन का कलर आपके हाथ में नहीं है यार, है ना। कुछ चीजें आपके हाथ में कभी भी नहीं होंगी, तो टेंशन, आप पड़ोसी कैसे चुनोगे आपके हाथ में नहीं है। ब्रूस ली का एक पैर एक इंच छोटा था, उसको कभी टेंशन नहीं थी उससे यार, 5000 पंच रोज मारता था। नेगेटिविटी होने की जरूरत नहीं है, मेरे तो एक पैर छोटा है मैं कैसे, आपको पता है किसी को 5000 पंच रोज मारता था। और उसका बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, कह रहा है मैं उस व्यक्ति से कभी नहीं घबराता जिसने 10,000 तरीके अपनाए हुए हैं, 10,000 तरीकों से वो फाइट करता है। कह रहा है मैं ऐसे लोगों से नहीं घबराता, मैं घबराता उस आदमी से हूं जिस साले ने एक ही तरीका 10,000 बार अपनाया है, कह रहा उससे मैं बहुत डरता हूं, है ना। तो कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं है। तो दोस्त आपने अभी घर बनाया, फ्लैट है, क्या है मतलब, विला है, व्हाट इज दिस? फ्लैट 2 BHK है आपके पास, नया बनाया आपने? नहीं है, मेहनत करके। तो कितने रुपए का लिया है? 50 लाख। तो पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, तो ब्राह्मण को कुछ दे देना। चोर चोरी से जाए। आलोक, आलोक आप में आपका कोई सबसे अच्छा दोस्त यहां पर हो? दीपक। दीपक कहां है, एक बार खड़ा करेंगे क्या? दीपक आ जाओ, एक मिनट दौड़ के आओ, तुमने बुलाया और हम आओ। दीपक और आलोक के साथ हम एक बहुत अच्छा खेल खेलते हैं। देखो ऑप्टिमिस्ट क्या होते हैं, पेसिमिस्ट क्या होते हैं, नेगेटिव लोग क्या होते हैं, पॉजिटिव लोग क्या होते हैं, और आपको और हमारा डीलिंग उनके साथ कैसा होना चाहिए, ये इस खेल का नाम है। आपको नेगेटिव लोग मिलेंगे, हाँ या ना? नेगेटिव ही मिलेंगे, बोलो। थोड़ा करेक्ट कर देता हूं। तो आलोक ने घर बनाया और दीपक इनके बेस्ट फ्रेंड है। आलोक क्या हो कि दीपक एक दिन तुम्हारे घर आए और उसके कंधे पे कूड़े का बोरा हो, उसमें गंद हो, उसमें सब मलमूत्र हो, उसमें गोबर हो, जितना गंद इकट्ठा कर सकता था दीपक वो लाया, और आपके बेडरूम में या ड्राइंग रूम में 50 लाख रुपए का जो तुमने नया लिया है ऐसे फेंक दिया, तो आलोक तुम क्या करोगे? मतलब सीरियसली, ये आया बोरा, टिंग टोंग, दरवाजा खोला, बोला हट। तो आलोक क्या करेंगे दीपक के साथ, मैं पूछना चाहता हूं आलोक से। आलोक व्हाट विल यू डू? इससे पूछोगे कि ये तूने ऐसा क्यों किया? आलोक पूछेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो ये बोलेगा ठीक है आज के बाद नहीं करेंगे भाई, इसने बोला ठीक है आज के बाद नहीं करेंगे यार, है ना। तो आपने क्या किया, इसको भगा दिया और अपना झाड़ू वाड़ू लिया, आपकी वाइफ मदर सब लोगों ने इकट्ठा किया, पोछा पोछा लगाया, वापस वैसा होगा, परफ्यूम छिड़क दिया, सेम टू सेम वैसा हो गया। हाँ हो जाएगा यार, 100% हो जाएगा, सेम टू सेम वैसा हो जाएगा। और ये चला गया दीपक, हफ्ते बाद फिर आया, फिर बोरा लाया, टिंग टोंग, आपने बोला हां हट। अब आलोक क्या करें? हेलो, दोबारा पूछेंगे कि दीपक तूने दोबारा ये सब कांड क्यों किया? दीपक ने बोला ठीक है आज के बाद नहीं करेंगे। तो दीपक गया, आपने फिर से उसको सफाई किया, पोछा पोछा लगाया बढ़िया से, है ना, इत्र छिड़क दिया ताकि स्मेल ना आओ, और डिट्टो वैसा हो जाएगा, 100% वैसा हो जाएगा। 4 दिन के बाद दीपक में फिर खुरक मची, बोरा हाथ में, अभी 2 लाया, टिंग टोंग, आपने खोला अभी हट ले दोनों। क्या करोगे यार आलोक दीपक के साथ? अगली बार गेट नहीं खोलूंगा, अगली बार
आलोक के शब्द हैं, अगली बार गेट नहीं खोलूंगा, आपने सफाई करी, और अगली बार दीपक आपने शीशे में देखा ऐसे वो दीपक बजाता रहे तो. माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव लर्न्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन. वो कहते हैं स्टैंड लाइक अ गार्ड एट योर माइंड एवरी डे. स्टैंड लाइक अ गार्ड टू योर माइंड एवरी डे. आलोक दीपक का फेंका हुआ कूड़ा साफ हो सकता है, हो सकता है, होता है, लेकिन कोई आपके दिमाग में अगर कूड़ा डाल जाए, ये एक ऐसी चीज है साफ भी नहीं हो सकती कभी. दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, नेगेटिविटी का कूड़ा कोई अगर तुम्हारे दिमाग में एक दफा डाल जाए, आप कितना वैक्यूम क्लीनर चलाएं, उसके कीटाणु कहीं ना कहीं दिमाग में अंकुरित होते हैं. यार क्या किया तुमने तीसरी बार दरवाजा? जो व्यक्ति आपके साथ नेगेटिव कन्वर्सेशन में है वही काम करना है आलोक जो तुमने दीपक के साथ किया है. क्लोज द, तू अपने घर, हम अपने घर. ऐसे लोगों की संगत में मत रहना जो खुद भी कुछ नहीं करेंगे और आपको भी कुछ. तो जोरदार तालियां आलोक और दीपक के लिए. अब समझ में आया ना कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, है ना? हैव यू गॉट द पॉइंट? थैंक यू आलोक, बहुत बहुत धन्यवाद यार. थैंक यू सो मच. थैंक यू दीपक. वो कहते हैं ना, देर इज सब्जेक्ट कॉल बेटर थिंकिंग हैबिट्स. पुअर थिंकिंग हैबिट्स कीप मोस्ट पीपल पुअर, नॉट द पुअर वर्किंग हैबिट. सम पीपल वर्क वेरी हार्ड बट थिंक वेरी बैडली. अ पेसिमिस्ट से इट मे बी पॉसिबल, इट इज टू डिफिकल्ट, बट है ना. कुछ लोगों को अच्छाई में बुराई दिखती है. ऑप्टिमिस्ट से इट मे बी डिफिकल्ट बट इट्स पॉसिबल. Achievers create an antenna to attract positive thoughts and a circuit breaker to disconnect negative thoughts. Achiever हमेशा एक एंटीना क्रिएट करके रहेगा ताकि पॉजिटिव थॉट्स आते रहें, और एक सर्किट ब्रेकर जरूर लगाएगा कि गलती से नेगेटिव आ जाए तो काट के वहीं फेंक दे वापस. A person with positive attitude cannot be stopped, my dear friends. And a person with negative attitude cannot be helped. In the other ways, a person with positive attitude is unstoppable. कोई रोक नहीं सकता सर उसको, nobody. और जिसने नहीं करना ना सर, आप उसको सब संपदाएं दे दो, ट्रेनिंग दे दो, सेमिनार दे दो, गाड़ी दे दो, मकान दे दो, मोबाइल दे दो, जिसने नहीं करना आप उसको सब दे दो, वो फिर भी नहीं करेगा. और जिसने करना है उससे सब छीन लो, करके दिखा देगा आपको. A pessimist doesn't try to figure out what right, but always try to figure out what's wrong. He doesn't look for virtue. He always look for fault, and when he finds it, he is very delighted. गलतियां ढूंढने में लगा रहता है, और कभी गलती मिल जाए बड़ा खुश होता है. ढूंढ ली आखिर मैंने गलती. For pessimist, a glass is half empty, and for optimist, it is half full. This is called a thinking.